जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आपको पता है गुरुजी हमें किसी भी वहमों में नहीं डालते। गुरुजी हमें वहमों से बाहर निकालने आए हैं। कुछ टाइम पहले मैं इतनी खुश थी कि मेरे साथ जितनी भी गुरुजी की संगत कनेक्ट है, कितनी पॉजिटिव हो रही है, कितने पॉजिटिव अपने सत्संग शेयर कर रही हैं कि गुरुजी ने मुझे ओम रूप में दर्शन दिए, गुरुजी ने मुझे तितली रूप में दर्शन दिए। हमने गुरुजी को भोग लगाया और गुरुजी ने उसमें हमें दर्शन दिए। गुरुजी ने हमें 777777 की ब्लेसिंग्स दी। गुरुजी ने हमसे टेलीपैथी से बात की। मैं इतनी खुश थी कि सारी संगत वहमों से बाहर निकल रही है। गुरुजी मेरे थ्रू सारी संगत को वहमों से बाहर निकलवा रहे हैं, किसी भी बेकार के वहमों में नहीं डल रहे हैं। लेकिन पता नहीं आजकल मेरे पास रोज़ मेल आ रही है कि गुरुजी ने हमें बोला है कि 7 दिन तक अपने सत्संग शेयर करने हैं। संगत जी, आप लोग क्यों बेकार के वहमों में पड़ रहे हैं? क्या गुरुजी ने आपसे खुद टेलीपैथी के थ्रू कहा है कि आप कॉन्टिन्यूसली 7 दिन तक अपने शुक्राना सत्संग शेयर कीजिए? अगर कहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप सब अपने शुक्राना सत्संग शेयर कीजिए। लेकिन अगर आपको टेलीपैथी के थ्रू या मैसेज के थ्रू नहीं कहा है तो आप बिना बात के वहमों में क्यों पड़ रहे हैं? गुरुजी कभी भी ऐसे नहीं कहते हैं। अच्छी बात है अगर आप रोज़ 7 दिन अपने शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं तो, बहुत अच्छी बात है। संगत जी, गुरुजी हमें कभी भी ऐसे फेक मैसेजेस नहीं देते। जब भी हमारे साथ मिरेकल होता है वो अपनी प्रेजेंस खुद फील करा कर जाते हैं। आपने जिनका भी सत्संग सुना है, हो सकता है कि गुरुजी ने उनको टेलीपैथी के थ्रू बोला हो कि 7 दिन लगातार अपने सत्संग शेयर करो। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सारी संगत के लिए है, क्योंकि आजकल यही सब डाला जा रहा है कि 7 दिन लगातार अपने सत्संग शेयर करो, 3 दिन में कोई खुशखबरी मिलेगी। ये एक काम लगातार 7 वीरवार तक करना है। क्या गुरुजी ने कभी भी ऐसा कहा है? जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, गुरुजी तब भी किसी संगत को ऐसा नहीं कहते थे कि 7 वीरवार लगातार ऐसा कोई काम करो, या अपने घर से कोई चीज़ को निकाल कर फेंक दो, या तेरे घर पर कोई चीज़ रखी है। संगत जी, गुरुजी ने हमेशा हमें अपने वचनों को फॉलो करने के लिए कहा है। हमें जो भी करना है गुरुजी के 105 वचन सुनने हैं, उनको फॉलो करना है। गुरुजी ने उनके अलावा कभी भी हमें कुछ नहीं कहा है, हमें किसी भी वहमों में नहीं डाला है। हमें तो गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग शेयर करने हैं। गुरुजी ने कभी ऐसा नहीं कहा कि अपने सत्संग 7 दिन, 10 दिन या 15 दिन लगातार शेयर करो। संगत जी, प्लीज़ बिना बात के वहमों में ना पड़े, क्योंकि जिसको भी गुरुजी ऐसा मैसेज देते हैं वो खुद टेलीपैथी से देते हैं, लेकिन हम बिना बात के वहमों में पड़ जाते हैं। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें वहमों में पड़ना है या वहमों से दूर रहना है, क्योंकि गुरुजी हमारे साथ तभी जुड़ते हैं जब हम इन बेकार के वहमों में नहीं पड़ते। इसलिए इन वहमों से दूर रहें। एग्जाम्पल के तौर पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से बताया है कि उन्होंने किसी का सत्संग सुना है, उसमें बताया गया था कि 7 दिन लगातार अपने सत्संग शेयर करने हैं। लेकिन शायद उस सत्संग में ये नहीं बताया गया, क्या उनको टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आया कि उनको 7 दिन लगातार अपने सत्संग शेयर करने हैं, या फिर उनको किसी ने कहा? क्योंकि गुरुजी तो कभी ऐसा नहीं कहते। बाकी आप सब खुद सोच लीजिए। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, आपने ही सत्संग शेयर कराना है। सत्संग में क्या
बताना है, क्या बोलना है, आपके क्या मैसेज है, ये आप ही कराओ मेरे मालिक का, मेरी कोई औकात नहीं है। संगत जी, सर्दी होने के कारण अगर थोड़ी सी वॉइस में प्रॉब्लम हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। गुरुपा, मुझे माफ़ करना। मैं सत्संग शुरू करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, 2022 में गुरुजी का मैसेज आया था कि घर में सत्संग करना है और जो संगत है उन्हीं को बुलाना है। तो संगत जी, मेरे अंकल ने कहा कि हम कुछ और जनों को बुलाते हैं, तो मैं उन्हें मना नहीं कर पाई। पर गुरुजी ही सब प्लान करते हैं, सत्संग में किसे बुलाना है ये सब गुरुजी की ही प्लानिंग से होता है। तो संगत जी, जो संगत नहीं थी, जो अभी गुरुजी को नहीं मानते थे, उन गुरुजी ने खुद ही उनसे ना करवा दिया और सिर्फ संगत ही आई थी। तो उसके लिए जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लव यू गुरुपा। संगत जी, उस टाइम जब जोत जलाई हुई थी तो ऐसा हुआ कि मैं भोग लगाने गई थी या भोग लगा चुके थे, तो अचानक से ना बगल में ही जोत जल रही थी, तो मेरा दुपट्टा जोत पे लगता है और जोत बुझ जाती है। और मैं उस टाइम किसी को मैंने बताया नहीं और चुप करके मैं माचिस से वापस जला देती हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में गुरुजी ये थॉट डालते हैं कि वहमों में मत पड़ा कर। तो मैंने किसी को भी नहीं बताया उस टाइम। और चुन्नी शिफॉन की थी, वो दो तीन जगह से जल जाती है। तो उसके बाद में सत्संग के बाद मैं वो दुपट्टा टेलर को देती हूँ। मैंने कहा उतना पार्ट आप काट दो, काट के उसे वापस आप पीकू कर दो, और टेलर वैसे कर देते हैं। और वो जो पार्ट होता है जला हुआ, वो पता नहीं क्यों पर मैं अपने पर्स में रख लेती हूँ। संगत जी, ये बात को मैं भूल जाती हूँ, मेरा पर्स भी शायद छोटा पर्स था तो यहाँ वहाँ कहीं रखा जाता है। और उसके बाद में 23 में जब पर्स वापस मेरे हाथ में आता है, अलमारी से निकलता है, और वो दुपट्टे का पार्ट देखती हूँ, तो मुझे वही चीज़ स्ट्राइक करती है कि गुरुजी ने मतलब मेरी शायद लाइफ ब्लेस की, वरना पता नहीं क्या होता। फिर दिमाग से निकल जाता है, क्योंकि मैं गुरुजी ने कुछ सत्संग तो शेयर कराए पर पता नहीं मैंने ये वाला क्यों नहीं शेयर कर पाई मैं। और उसके बाद मैं, संगत जी, आज जब मैं ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, इससे हार्डली 5 मिनट्स पहले मैं एक सत्संग सुन रही थी जिसमें इसी तरह का था, रिलेटेड टू मैच बॉक्स एक आंटी बता रहे थे। और संगत जी, मुझे यही चीज़ स्ट्राइक की। तो और प्लस मेरे को अभी 2-3 दिन से ऐसे सत्संग आ रहे थे कि जिसमें ये बताया जा रहा था कि गुरुजी सेवा दे रहे हैं, मतलब 7 दिन सत्संग रेगुलर करने की, शेयर करने की। तो मैं आज शाम को ही सोच रही थी कि अच्छा, ये गुरुजी वैसे ही सत्संग सुना रहे हैं मेरे को। और संगत जी, जो मैंने अभी 5-7 मिनट पहले सत्संग सुना, उसमें यही था कि ये तेरी सेवा है। तो जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लव यू लव यू लव यू सो मच गुरुपा, कि आपने इतनी प्यारी सेवा बख्शी है। और संगत जी, गुरुजी ने एक और बीच में मैसेज दिया था कि सत्संग के टाइम, मतलब मैं ये बताऊं कि गुरुजी सिर्फ मैसेज नहीं देते, मतलब हमें हेल्प, मेरे को अभी पूरा नहीं याद आ रहा गुरुजी, सॉरी गुरुपा, बट गुरुजी वो एक्चुअली हमें याद कराते रहते हैं, हमारी हेल्प करते हैं वो चीज़ करने में जो उनका मैसेज रहता है। तो मैंने उस गुरुजी के वो मैसेज का स्क्रीनशॉट भी लिया हुआ था, बट अभी मुझे नहीं ख्याल आ रहा। मतलब गुरुजी पूरी हमारी हेल्प करते रहते हैं उस मैसेज को पूरा करने में। तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, लव यू गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा। सर्वदा भला करो, जो आंटी ये मैसेज ये सत्संग शेयर कर रहे हैं, उन्हें, उनके परिवार को, सबको ब्लेस करो। और जो संगत ये सत्संग सुन रहे हैं उन्हें भी ब्लेस करो, उनके प्रियजनों को।
और गुरुपा और भी बहुत सारे सत्संग हैं वो मैं गुरुजी के इच्छा से, गुरुजी की मर्ज़ी से, उनके हुक्म से ज़रूर बहुत जल्दी शेयर करूँगी। और गुरुजी जो जो भी किसी को कष्ट पहुँचा रहे हैं गुरुपा, प्लीज़ उन्हें रोक, उन्हें सद्बुद्धि दो कि इस तरह ना करें। किसी की फैमिली को चोट पहुँचा कर क्या मिलता है ऐसे लोगों को। बाकी गुरुजी आप अपने आप समझो, सर्वदा भला करो मेरे मालिका। लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू सो मच गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा, मेहर करना मेरे मालिका। गुरुपा कोई भी भूल चुक हो गई हो तो माफ़ करना, संगत जी कोई भी भूल चुक हो गई हो तो माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि हमें कोई भी वहमों में नहीं पड़ना है। लेकिन सॉरी आंटी जी, आपने ये बात तो बहुत अच्छे से बताई कि जब दुपट्टा लगा और जोत बुझ गई तो आपने दोबारा से जोत को जला दिया और जले हुए दुपट्टे को भी आपने ठीक कराकर अपने पास संभाल कर रखा। आप बेकार के वहमों में नहीं पड़े, आप पॉजिटिव रहे। और ये बात बहुत अच्छी है कि आप गुरु जी के बताए हुए मार्ग पर ही चल रहे हैं। आपने बेकार के वहम नहीं करे, आपने उस सिचुएशन को भी पॉजिटिव वे में लिया। क्योंकि जब भी हम गुरु जी से जुड़ते हैं तो हमें पॉजिटिव ही रहना होता है। ये सब तो होता रहता है, किसी के साथ भी हो सकता है, जाने अनजाने में भी हो सकता है। लेकिन साथ साथ आपने एक बात जो बताई है कि आपको 7 दिन तक लगातार अपने सत्संग शेयर करने हैं, तो हम इन वहमों में क्यों पड़ रहे हैं? क्या गुरुजी ने हमें टेलीपैथी के थ्रू खुद आके बताया है कि हमें 7 दिन लगातार अपने सत्संग शेयर करने हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन गुरुजी हमें ज़रूर ये बता के गए हैं कि हमें गुरुजी के 105 वचन फॉलो करने हैं, लेकिन हम वो नहीं कर रहे। लेकिन जो हम सत्संग में सुनते हैं कि हमें 7 दिन अपने सत्संग कॉन्टीन्यूसली शेयर करने हैं, उसको हमने बहुत जल्दी फॉलो कर लिया और हमने 7 दिन अपने सत्संग शेयर करने भी शुरू कर दिए, ताकि और संगत भी सुनकर 7 दिन लगातार अपने सत्संग शेयर करे। संगत जी, हमारे गुरु जी के साथ जो भी नई संगत जुड़ रही है, हमें उनको पॉजिटिव मिरेकल्स बताने होते हैं, हमें अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने होते हैं, ताकि वो गुरु जी से जल्दी अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर सके। लेकिन अगर हम ही वहमों में पड़ रहे हैं और ऐसे अपने सत्संग शेयर करेंगे तो नई संगत तो भटक जाएगी, गुरु जी से अपना कनेक्शन कभी स्ट्रॉन्ग ही नहीं कर पाएगी। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप सब इन बेकार के वहमों में ना पड़े। अगर आपसे गुरु जी टेलीपैथी से बात करते हैं तो वो आपको अपने मैसेजेस खुद समझाएंगे। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ गुरु जी के बताए हुए मार्ग पर ही चलना है। आपको सिर्फ गुरु जी के 105 वचन फॉलो करने हैं, ये हमें गुरु जी ही बता कर गए हैं। लेकिन हम ये काम बिल्कुल नहीं करते। जो करना है वो करते नहीं हैं और जो नहीं करना है उसको बहुत जल्दी करना शुरू कर देते हैं। अब आप सब डिसाइड कीजिए कि आप सबको क्या करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।